तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने ऐप्स को सिक्योर करने के लिए अपने मोबाइल फोन के अंदर ऐप लॉकर जैसे कोई ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं और इसकी मदद से आप समझते हैं कि आपकी एप्लीकेशंस और आपकी फाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि मैं आपके लिए ले आया हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप ऐप लॉकर में से भी जो चीज़ें हाइड की हुई हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं ऐप लॉकर में और इधर हम हमारी कोई एप्लीकेशन को लॉक करते हैं और उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इधर मैं इसका पैटर्न टाइप करता हूँ और इसके बाद हम इधर से स्क्रॉल डाउन करते हैं और इधर से मैं व्हाट्सएप बिजनेस को लॉक कर देता हूँ। और इसके बाद हम हमारे होम पेज पर जाएंगे और इधर से हम ऐप्स में चलते हैं और इधर जो हमारे पास व्हाट्सएप बिजनेस पड़ा हुआ है उसको हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर ऐप लॉकर की वजह से ये हमारे पास इधर इसको लॉक लगा हुआ है, जिसको हम इस तरह ड्रा करके ही लॉगिन कर सकते हैं। अगर हम इसके बगैर इसको लॉगिन करना चाहें तो वो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए आपने चलना है अपने ऐप लॉक में और इसको आपने इधर से क्लिक करना है और ड्रैग करके आपने ऐप इन्फो पर ले आना है। और अगर आपके पास ये इस तरह ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसके लिए आपने इधर ऐप्स में जाना है और इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इधर आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसमें आपने जाना है और इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो फ्रेंड्स, इधर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन का, इस पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपने एप्लीकेशन मैनेजर पर क्लिक करना है और इसके बाद इधर आपके पास ये आ जाएगा ऐप लॉकर, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास सेटिंग्स आ जाएगी, इधर से आपने ओनली इस फोर स्टॉप पर क्लिक कर देना है और इसके बाद इधर फोर स्टॉप पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने चलना है अपनी होम स्क्रीन पे और इधर से हम चलते हैं ऐप्स में और इधर से स्क्रॉल करते हैं और इधर से ये हमारा पड़ा हुआ व्हाट्सएप बिजनेस, इसको हम ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने इजीली इसको एक्सेस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप इसमें से जो चीज़ें एक्सेस करना चाह रहे हैं वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपने अगर इसमें दोबारा ऐप लॉकर को टर्न ऑन करना है, इसके लिए भी आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपने दोबारा ऐप्स में जाना है और इधर से आपने स्क्रॉल करना है और इधर आपके पास ऐप्स लॉक आ जाएगा, इसको आपने एक बार ऑन कर लेना है। इसको आपने इधर से रिसेंट पर क्लिक करना है और इधर से आपने इसको क्लोज कर देना है। और इसके बाद आप जैसे ही व्हाट्सएप बिजनेस को दोबारा ऑन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं अब हमारे पास हमारा व्हाट्सएप लॉकर दोबारा वर्क करने लग पड़ा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक सिक्योर ऐप लॉकर को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने आई बटन पर क्लिक करना है। तो इधर से आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको फुल डिटेल बताई गई है कि आप एक ऐप लॉकर को किस तरह सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं और उसको हिडन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की ट्रिक, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल ग्रुप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।